हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। मायसेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों का, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में एक्टिव पैसिव आता है, दो नंबर का क्वेश्चन, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको यहां सॉल्व करवाऊंगा और मैं बताऊंगा आपको मेथड भी कि आप लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलोगे और यहां से आपका दो नंबर कंफर्म हो जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हर साल ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 2024 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक एक करके सारे जो है क्वेश्चंस को, सारे सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं और उनको बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, आई नो हिम वेरी वेल। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएं तो आपके माइंड में तीन चीजें एकदम कंफर्म होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमेशा पैसिव में हम लोग V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे जो सेंटेंस हो चाहे जो यूज हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बाई से जोड़ के ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग जो है प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ बाई का यूज नहीं होता है, मैं अभी उसको आगे आपको बताता हूं। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक है, हिम को जब हम लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, यानी पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में और ही के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। तो ही इज, ठीक है, नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन। और अब V3 के बाद ये ध्यान रखिए, V3 के बाद अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो अदर ऑब्जेक्ट को यानी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग V3 के बाद रखेंगे। पहला ऑब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट की जगह आ गया और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको V3 के बाद, या फिर कोई फ्रेज है तो उसको भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यूज करेंगे। ये ध्यान रखिए, कोई एक्स्ट्रा वर्ड है यानी आपका एडवर्ब है, फ्रेज है या फिर अदर ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना उसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं। तो यहां पे वेरी वेल, इसको हम लिखेंगे यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, तो हो जाएगा वेरी वेल। अब आपका सब्जेक्ट है आई, ठीक है, लेकिन क्रिया आपकी वर्ब आई है नो, तो नो के साथ बेटा हम लोग बाई का यूज नहीं करते हैं, नो के साथ हम लोग लिखेंगे टू और फिर लिखेंगे आई, चेंज हो जाएगा मी में। मैंने अभी बताया था ना कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ बाई का यूज नहीं होता, अदर प्रीपोजिशन होते हैं, टू होता है, विथ होता है, इन होता है। तो जैसे जैसे वो सेंटेंस में आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो नो के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। चलिए अब सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ये भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब मी को हम लोग सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये हो जाएगा आई, ठीक है, और आई के साथ सहायक क्रिया होगी एम, आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। ठीक है, लेकिन आप जो ऑलवेज है यानी आपका एडवर्ब, इसको हम लोग आई एम के बाद यहां यूज करेंगे, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड, ऑलवेज हेल्प्ड और बाई और ही चेंज हो जाएगा हिम में। ठीक है, तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाई हिम। अब आपका थर्ड सेंटेंस है, हु रोट द एप्लीकेशन। ये सेंटेंस आपका है पास्ट इंडिफिनिट में, वी से यानी V2 का यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब हु को बनाने के दो नियम है, या तो हम बाई होम से बना दें या फिर हम हु को पहले लिख के लास्ट में बाई लिखें। तो इसको बनाते हैं, हु रोट द एप्लीकेशन, तो आपका ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाई होम, बाई होम, ठीक है, वाज द एप्लीकेशन रिटन, और एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका बनेगा बाई होम वॉज द एप्लीकेशन रिटन, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप यहां हु लिखा रहने दो, ऐसे हु वॉज द एप्लीकेशन
रिटन और सबसे लास्ट में लिखेंगे बाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप लोग बाई होम सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, बाई को सबसे पहले लिखोगे तो वहां होम लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप हु लिखते हो, ठीक है, तो ये होम में कन्वर्ट नहीं होगा और बाई को सबसे लास्ट में लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर फोर है आपका, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लोग जो है वो जो बहादुर जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, यानी हमारे जो देशभक्त जो देश के लिए कुर्बानी दे दी अपना, तो उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, मेन ऑब्जेक्ट आपका है द फ्रीडम फाइटर्स। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इनके साथ हम लोग लिखेंगे आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो लिखेंगे आर, और आर के बाद ही हम लोग ऑलवेज लिख देंगे, यानी एडवर्ब यहां वर्ब से पहले लिखा जाएगा। ऑलवेज एडमायर का वी थ्री होगा एडमायर्ड, एडमायर्ड, ठीक है, बाय द पीपल। एक चीज ध्यान रखिए, मॉडर्न इंग्लिश में बाय पीपल को नहीं लिखा जाता है। तो अगर आप लोग बाय द पीपल लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट है, नहीं लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट है, यहां पे ये अंडरस्टूड हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां अगर बाय पीपल छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए आपका सेकंड फिफ्थ वन है, आई बॉट, ठीक है, ए डिक्शनरी यस्टरडे, मैंने कल एक डिक्शनरी खरीदी। तो आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो मैंने क्या खरीदा, ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी, तो आप ऑब्जेक्ट आपका है ए डिक्शनरी, तो इसको यहां लाएंगे सब्जेक्ट की जगह और लिखेंगे ए, ठीक है, डिक्शनरी, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बॉट सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है बॉट, ठीक है, और यस्टरडे, यानी प्रीपोजिशन यहां वर्ब के बाद होगा, यस्टरडे प्रीपोजिशन, सॉरी ये एडवर्ब है आपका, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे बाई, प्रीपोजिशन यहां लिखेंगे एडवर्ब के बाद बाई, और आई चेंज हो जाता है मी में और फुल स्टॉप, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, वी हेल्प देम इन एवरी वे, हम उनकी हर तरीके से मदद करते हैं, हर तरीके से सहायता करते हैं। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो यहां ऑब्जेक्ट ढूंढिए, देखिए वी हेल्प देम, हम किसकी सहायता करते हैं, उनकी, तो आपका मेन ऑब्जेक्ट है देम, तो देम को लाएंगे सब्जेक्ट कीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दे में, ठीक है, दे, और इसके साथ सहायक क्रिया आर, ठीक है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आप देखो बच्चों ये आपका क्या है, फ्रेज है, फ्रेज को हम कहां लिखेंगे, अदर ऑब्जेक्ट की जगह, जहां पे हम यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है फ्रेज अदर ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब को लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे इन एवरी वे, ठीक है, और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में, ठीक है, वी चेंज होगा अस में, बाई अस, बाई अस को भी मॉडर्न इंग्लिश में नहीं लिखा जाता है, छोड़ देते हैं, आप लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे बाई अस को तो भी पूरा नंबर मिलेगा। तो कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जैसे आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया एवरी वन, नो वन, ठीक है, एवरीबडी, नो बडी, एवरी थिंग, नथिंग, बाई अस, ठीक है, और बाई पीपल, इन सब चीजों को आज के इंग्लिश में जो है बनाते समय पैसिव छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, और कुछ लोग लिखते हैं, तो दोनों मायने में दोनों चीजें सही है, आप लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, यानी आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना है। अब अगले सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस नंबर सेवन है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो आपका ये सेंटेंस देखो बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एमआर और वर्ब की चौथी फॉर्म है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो अब इसको बनाएंगे, ठीक है, हम लोग एक पैसिव वॉइस में, तो यहां आपका ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा एन एप्लीकेशन, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखिए इसके बाद जो है बींग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बींग का प्रयोग करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बींग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, रिटेन, और फिर यहां फ्रेज आया है फॉर लीव, इसको यहीं लिख देंगे फॉर लीव,
अब लिखेंगे बाई और सब्जेक्ट आपका क्या है सीला, तो चूंकि सीला नाउन है तो ये चेंज नहीं होता, नाम को ऐसे लिखेंगे। एट नंबर सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मेन ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लिखेंगे बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, बाई, आई चेंज हो जाता है मी में। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 9 है आपका, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। ध्यान से देखिए सेंटेंस को, ये पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट के साथ साथ ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिड यानी जो आपके मॉडल्स हैं उससे आपके सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, डिड को रिमूव कर देते हैं और उसके साथ साथ जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहां लिखिए डिड यू फिनिश योर वर्क, यानी आपका मेन ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो योर वर्क के साथ बच्चों लगेगा वाज, तो वाज को पहले लिख देंगे फिर लिखेंगे योर वर्क, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो योर वर्क, ठीक है। फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फ्रेज को लिख देंगे इन टाइम, इन टाइम बाई, ठीक है, और यू जो होता है वो यू में ही रहता है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, सब्जेक्टिव केस में यू होता है या नॉमिनेटिव केस में भी, और उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वहां भी यू होता है, तो यू को यू में ही रहने देंगे, तो ये आपके ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सेंटेंस नंबर 10 है आपका, तुलसीदास रोट द रामायण इन हिंदी, ठीक है, तो ये भी आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो मेन ऑब्जेक्ट आपका है द रामायण, ठीक है, तो यहां लिखेंगे द रामायण, ठीक है, वाज, इसके साथ वाज लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, यहां पे प्रीपोजिशन उठा के लिख दो इन हिंदी बाई तुलसीदास, तुलसीदास, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 11 है आपका, ही रीड्स वन न्यू बुक, वह एक नई पुस्तक पढ़ता है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वन न्यू बुक, वह क्या पढ़ता है, वन न्यू बुक, तो यहां पे लिखेंगे वन न्यू बुक, सिंगुलर है तो इज लिखेंगे इज, और रीड का तीनों फॉर्म बच्चों सेम होता है, रीड बाई, ही चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है। तो सारे सेंटेंस को ध्यान दीजिए, एक ही तरीके से बनता है, बस चाहे जिस टेंस में हो हेल्पिंग वर्ब उसकी चेंज हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह, और जब हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो उससे पहले बाई लिखते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जहां बाई ना लिख के हम अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 12 देखिए, ही हैज रिटन ए न्यू नॉवेल, उसने एक नई जो है उपन्यास लिखा है, नया उपन्यास लिखा है, has written, ध्यान दीजिए has है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे a new novel, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है जब पैसिव बनाते हैं तो has been, have been में बदल जाता है, तो यहां लिखेंगे has been और वर्ब की थर्ड फॉर्म written By, ही चेंज हो जाएगा हिम में। तो हमें ध्यान रखने चीज क्या है, ध्यान रखने योग्य क्या चीजें हैं, कि हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो सबसे पहले तो हम टेंस को पहचान लें कि किस टेंस में है, दूसरी चीज हम कौन से सहायक क्रिया का यूज करेंगे, अगर हम मान लीजिए टेंस पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो कौन से सहायक क्रिया का यूज हमें करना है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह, और वी थ्री का तो यूज करेंगे ही करेंगे पैसिव वॉइस में, बस केवल हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, ये आपका कीवर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर 13 है, ए न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, एक नए अध्यापक हमें ग्रामर पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर, किसको पढ़ाएंगे, हमें। अब यहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिला, आप चाहे इसको मेन ऑब्जेक्ट बना लो चाहे सेकेंड वाले को, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ले लो, चलिए मैं अस को ले रहा हूं, तो अस इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा वी में, ठीक है,
तो वी, और यहां विल है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं पैसिव बनाते समय, लेकिन यहां वी आया है, बेशक यहां पे विल है लेकिन हम वी के साथ शैल का यूज करेंगे, तो वी शैल बी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, टाट। और अदर ऑब्जेक्ट यहां लिखेंगे जहां पे हम फ्रेज लिखते थे, टाट ग्रामर, ठीक है, बाय ए न्यू टीचर, और फुल स्टॉप। अब देखते हैं 14 नंबर सेंटेंस, वी डिड नॉट इंपोर्ट सुगर लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल हमने जो है सुगर का आयात नहीं किया, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपका जो है एडवर्ब है, शुगर आपका है मेन ऑब्जेक्ट, क्या आयात नहीं किया, शुगर, तो यहां पे लिखेंगे शुगर, और डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पे डिड हट जाएगा, वाज वेयर और नॉट लिखते हैं, तो शुगर के साथ वाज, वाज नॉट, इंपोर्ट का थर्ड फॉर्म इंपोर्टेड। अब एडवर्ब हम कहां लिखेंगे, वर्ब के बाद, लास्ट ईयर बाय, ठीक है, और वी चेंज हो जाएगा अस में, बाय अस, ठीक है। अब आपका लास्ट वन है, आप डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस, डॉक्टर रंजना जो है हमें विज्ञान पढ़ाती हैं, तो किसको पढ़ाती हैं, हमें, क्या पढ़ाती हैं, विज्ञान। यहां पे भी देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक साइंस और एक हमें। अब यहां पे हमारे पास दो चॉइस है, हम चाहे साइंस को मेन ऑब्जेक्ट बना लें या फिर एस को मेन ऑब्जेक्ट बना लें, तो चले इस सेंटेंस में मैं साइंस को जो है मेन ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एस को छोड़ देता हूं। तो देखिए यहां ध्यान से, साइंस इज, ठीक है, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, टाट। और अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट यहां क्या है, एस, तो यहां लिखेंगे टू एस। ये ध्यान रखना, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी सेंटेंस का और उसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है, तो जो डायरेक्ट होता है वो निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, सजीव। तो अगर हम निर्जीव यानी डायरेक्ट को पहले लेते हैं, सजीव वाले को बाद में, तो जब अदर ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग टू का प्रयोग करते हैं उससे पहले, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बना लिया और डायरेक्ट आपका पीछे बचा, तो वहां हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह ग्रामर से पहले टू का यूज नहीं हुआ है, लेकिन अस से पहले टू का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। तो साइंस स्टार्ट टू अस बाय डॉक्टर रंजना। तो इस तरीके से बच्चों, ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको दो नंबर कंफर्म करना है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बस ये 15 सेंटेंस को पढ़ के जाइए, बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा, और आप वहां आपका जो है वहां बोर्ड पेपर में दो नंबर कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब क्रैश कोर्स जो है क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, और आपको वहां सारी सुविधाएं मिलेगी, जिसकी फीस ओनली 499, ठीक है, 499 रुपए है। आपको 3 साल के जो पेपर है उसको सॉल्व करवाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाया जाएगा, आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग जो है सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो।